नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा श्री शक्ति ट्रस्ट एवं संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आशारामजी आश्रम खजरी द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गीता जयंती पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। हमारे शास्त्रों में गीता, गंगा और गाय का विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवद् गीता समस्त मानव कल्याणार्थ ग्रंथ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व युद्ध के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। बच्चों में, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का सिंचन हो, गीता ज्ञान से अवगत हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष यह आयोजन संपन्न कराए जाते हैं। यह आयोजन श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में जिले भर के स्कूलों में संपन्न हुआ। जिले के लगभग 5773 सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों तक गीता ज्ञान का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। समिति द्वारा विकासखंड स्तर की सभी समितियों को इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लगभग 47,000 से अधिक विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की खबर है। वहीं देश भर के 550 आश्रम और 2,200 समितियों की सेवा का गुणा भाग कर तो यह संख्या करोड़ों में है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 2,100 रुपये, द्वितीय को 1,100 तथा तृतीय स्थान वाले को 500 रुपये नकद पुरस्कार एवं सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सैकड़ों विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवद् गीता की पुस्तक भेंट स्वरूप दी गई। इस दैवीय कार्य में साध्वी रेखा बहन, साध्वी प्रतिमा बहन, खजरी आश्रम के संचालक जयराम भाई, समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, गुरुकुल की संचालक दर्शना खट्टर, युवा सेवा संघ के अध्यक्ष दीपक डोईफोड़े, विशाल चबूतरे, सुभाष इंगले, अशोक करारे, सुजीत सूर्यवंशी, शंभुदयाल साहू, अरुण अग्रवाल, महिला समिति से सुमन डोईफोड़े, छाया सूर्यवंशी, शकुंतला करारे, पूनम मक्कड़, शिवानी साहू आदि ने सेवाएं दी। समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई ने सभी स्कूलों के प्राचार्य और ग्राम के सभी सरपंचों का आभार व्यक्त किया। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। आधा मिनट, आधा मिनट, ठीक। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बाबू जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष गीता जयंती के अवसर पर और उसके पूर्व से ही योग विधान सेवा समिति अपने माध्यम से तमाम स्कूलों में गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इसी सिलसिले में हमने जिले के सैकड़ों स्कूलों में गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसी तारतम्य में आज खजरी आश्रम में जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग जो हैं 2100 रुपये प्रथम इनाम देते हैं बच्चों को, द्वितीय इनाम जो है 1100 रुपये का और तृतीय इनाम 500 रुपये का, और सभी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित करते हैं, जिससे बहुत से बच्चे जो है उत्साहपूर्वक इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और गीता के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हैं और अपने ज्ञान का वृद्धि कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम का उद्देश्य है अपने धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो और बच्चे उनसे जुड़ें, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। वही बापू जी की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। मैं मदन मोहन परसाई, अध्यक्ष योग विधान सेवा समिति छिंदवाड़ा। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से हम लोगों ने पूरे जिले में गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो सैकड़ों स्कूलों ने इसमें भाग लिया। बकायदा प्रतियोगिता हुई इसकी जगह जगह और बहुत सारे स्कूलों ने और प्राचार्यों ने सहयोग किया। गत वर्ष यहाँ पे कलेक्टर साहब थे सौरभ सुमन, उनसे हमने मिलकर भगवद्गीता पूरे देश में चालू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। तो उस ज्ञापन पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कार्रवाई की और देश के सारे पाठ्यक्रमों में आज भगवद्गीता कंपलसरी हो गई है। यही आवेदन हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पे दिया था कि भगवद्गीता, रामायण और बहुत भी पवित्र ग्रंथ है, तो सारे पाठ्यक्रमों में स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्या यूँ दूर हो जाएगी, अपराध कम हो जाएंगे, बहुत सारी समस्या यूँ दूर हो जाएगी। तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मेरा आवेदन संयुक्त राष्ट्र सऊदी अरब को दिया और सऊदी अरब के पाठ्यक्रमों में भगवद्गीता प्रारंभ हो चुकी है। तो संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से देश के पूरे पाठ्यक्रमों में और सऊदी अरब में भी यह चालू हो चुका है। इस आप सबका धन्यवाद और सबको बधाई हो। आप जी बताएं। हरिओम। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से यह गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता
जो है जिले भर के सभी स्कूलों में संपन्न हुई और यह प्रतियोगिता है इसीलिए कि बच्चों में गीता ज्ञान का संचार हो। गीता जयंती सिर्फ एक भगवद गीता ही ऐसी है जिसकी जयंती मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये किसी मत पंथ संप्रदाय या जातिवाद या व्यक्तिगत किसी से जुड़ी हुई नहीं है, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए इस भगवद गीता को 578 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और प्रतिवर्ष ऐसी प्रतियोगिता आयोजन होता है। बापूजी के 500 आश्रम हैं, 2200 समितियों द्वारा पूरे देश में हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। सभी से अनुरोध है कि भगवद गीता का अपने जीवन में योगदान हो, उसका आधार हो, सहयोग हो, तो जीवन जीने की कला भी आती है। तो खुद जीवन में भगवद गीता को लाए और औरों तक इसका प्रचार प्रसार करें, यही शुभकामनाएं गीता जयंती पर। हरिओम।